हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई सीक्वेंसेज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एमआरआई सीक्वेंस क्या होती है और हम एमआरआई में कौन कौन सी सीक्वेंस यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं एमआरआई सीक्वेंसेज के बारे में। एमआरआई सीक्वेंसेज फ्रेंड्स, अपन रूटीन में 6 सीक्वेंसेज यूज लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है T1 वेटेड इमेजिंग, सेकंड है T2 वेटेड इमेजिंग, थर्ड है PDW मतलब प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजिंग, 4 नंबर है फ्लेयर मतलब फ्लूइड एटेन्यूटेड इन्वर्जन रिकवरी, 5 नंबर है स्टिर मतलब शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी, 6 है DWI मतलब डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो फ्रेंड्स, इन सीक्वेंस में अपन ने T1 वेटेड इमेजिंग और T2 वेटेड इमेजिंग की बात प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज अपन बाकी बची 4 सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपन थर्ड नंबर सीक्वेंस PDW के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस सीक्वेंस का फुल फॉर्म प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस होता है। Cortical bone and hair are always dark on MRI images regardless of the weightage, as they have a low proton density and therefore return little signal. मतलब वेटेड की रिगार्डलेस मतलब वेटेड की परवाह किए बिना कॉर्टिकल बोन एंड एयर हमेशा MRI इमेजेस पर डार्क दिखती है, क्योंकि बोन और एयर के पास कम प्रोटॉन डेंसिटी होती है, इसलिए थोड़ा कम सिग्नल ही रिटर्न हो पाते हैं। इसलिए कम सिग्नल रिटर्न होने से हमें बोन और एयर डार्क दिखाई देते हैं। PDW इमेजेस विजुअलाइज द नंबर ऑफ प्रोटॉन पर वॉल्यूम मतलब PDW इमेजेस पर वॉल्यूम प्रोटॉन की संख्या को विजुअलाइज करता है, या प्रोटॉन की संख्या के अकॉर्डिंग यह सिग्नल देता है। To achieve this, both T1 and T2 components are switched off as fully as possible, long TR and short TE. मतलब PDW इमेजेज को अचीव मतलब प्राप्त करने के लिए T1 और T2 दोनों कंपोनेंट्स को पूरी तरह से स्विच्ड ऑफ कर दिया जाता है, मतलब लॉन्ग TR और शॉर्ट TE दोनों को ऑफ कर दिया जाता है। फेट हाई सिग्नल इंटेंसिटी मतलब इसमें फेट के लिए हाई सिग्नल इंटेंसिटी होती है, मतलब इसमें फेट ब्राइट तो दिखेगा, लेकिन T1 में जितना ब्राइट दिखता था उतना इसमें ब्राइट नहीं दिखता, थोड़ा कम ब्राइट ही दिखता है। फ्लूइड इंटरमीडिएट सिग्नल इंटेंसिटी मतलब PDW इमेजेस में फ्लूइड के लिए इंटरमीडिएट सिग्नल इंटेंसिटी होती है। ए PDW इमेज इज यूज्ड टू इवैल्यूएट मेनिस्कल टीयर इन नी बिकॉज ऑफ हाई सिग्नल फॉर फाइब्रोकार्टिलेज मतलब फाइब्रोकार्टिलेज के लिए हाई सिग्नल के कारण नी जॉइंट में मेनिस्कल टीयर हो जाते हैं। तो टीयर्स को मेजर करने के लिए PDW इमेजेस का यूज किया जाता है। PD सीक्वेंस कैन बी यूजफुल इन ब्रेन MRI टू इवैल्यूएट ग्रे एंड वाइट मैटर पैथोलॉजी। इन दिस ग्रे मैटर हैज हाई सिग्नल इंटेंसिटी देन वाइट मैटर मतलब ग्रे या वाइट मैटर की पैथोलॉजी का मूल्यांकन करने के लिए ब्रेन MRI में PD सीक्वेंस का यूज करते हैं। इसमें वाइट मैटर की तुलना में ग्रे मैटर में सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। आइए इस सीक्वेंस को अपन एक इमेज के हेल्प से समझते हैं। इस डायग्राम में आप जो इमेज देख रहे हैं यह प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज है। इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वेंट्रिकल्स होते हैं और इसमें CSF होता है। तो आप देख सकते हैं कि ना तो यह ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहे हैं और ना ही ज़्यादा यह ब्राइट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट सिग्नल इंटेंसिटी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वाइट मैटर होता है, जो कि हमें थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, और ग्रे मैटर हमें वाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रे मैटर की इंटेंसिटी होती है वह वाइट मैटर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स इसमें चारों तरफ जो फेट होती है वह हाई सिग्नल इंटेंसिटी के कारण यह भी ब्राइट दिखाई देती है, पर इतनी ब्राइट दिखाई नहीं दे रही है जितनी T1 वेटेड इमेजेस में हमें दिखाई दे रही थी। इसमें थोड़ी कम ब्राइट ही दिखाई दे रही है। 4 नंबर सीक्वेंस है फ्लेयर। फ्रेंड्स फ्लेयर का फुल फॉर्म फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी होता है। फ्लूइड एटेन्यूएटेड मतलब यहाँ पर फ्लूइड के सिग्नल को रोक दिया जाता है। फ्लेयर इज एन इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस मतलब फ्लेयर एक इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस होती है। द एम ऑफ फ्लेयर सीक्वेंस इज टू सप्रेस लिक्विड सिग्नल्स मेनली इन द ब्रेन। मतलब फ्लेयर सीक्वेंस का काम यह होता है कि वह लिक्विड सिग्नल्स को एम करता है, मतलब लिक्विड सिग्नल्स को रोक देता है, और यह सीक्वेंस मेनली ब्रेन में ही यूज की जाती है। इट इज यूज्ड फॉर फ्लूइड सप्रेशंस, सप्रेस सीएसएफ इफेक्ट्स मतलब इसका यूज फ्लूइड सप्रेशंस के लिए किया जाता है। और जो ब्रेन में वेंट्रिकल्स में सीएसएफ होता है उसके इफेक्ट्स को भी यह सप्रेस करता है। यूजफुल फॉर ब्रेन एंड स्पाइन इमेजिंग मतलब यह सीक्वेंस ब्रेन और स्पाइन इमेजिंग में यूजफुल होती है। और फ्रेंड्स इसका यूज न्यूरो इमेजिंग और पोस्ट कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग में भी किया जाता है। सी पेरीवेंट्रिकुलर एंड कॉर्ड लीजन्स मोर क्लियरली मतलब इस सीक्वेंस को पेरीवेंट्रिकुलर और स्पाइन कॉर्ड के लीजन्स को क्लियरली रूप से देखने में किया जाता है। फ्लेयर इज अनदर वेरिएशन ऑफ द इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस विद लॉन्ग इन्वर्जन टाइम मतलब फ्लेयर लॉन्ग इन्वर्जन टाइम मतलब टीआई के साथ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस का एक वेरिएशन होता है। मतलब इसमें टीआई भी लॉन्ग मतलब इन्वर्जन टाइम भी ज़्यादा होता है। और स्टिर सीक्वेंस में इन्वर्जन टाइम कम था और इसमें इन्वर्जन टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि 180 डिग्री से 90 डिग्री आरएफ पल्स को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन दिस सीक्वेंस फ्लूइड्स डार्क मतलब इसमें फ्लूइड्स बिल्कुल डार्क दिखाई देता है। और इन दिस सीक्वेंस फेट ब्राइट और जो फेट होती है वह ब्राइट मतलब चमकीली दिखाई देती है। द इन्वर्जन रिकवरी पल्स सीक्वेंस बिगिंस विथ ए 180 डिग्री पल्स मतलब यह इन्वर्जन रिकवरी पल्स 180 डिग्री पल्स से स्टार्ट होती है। फ्लेयर सीक्वेंसेज आर यूज्ड टू इवैल्यूएट मतलब फ्लेयर सीक्वेंस का यूज इन्फ्रैक्शन होने पर, हेड इंजरीज होने पर, सब एरेक्नोइड हेमरेज होने पर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने पर किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स फ्लेयर सीक्वेंस को अपन एक इमेज के हेल्प से भी समझते हैं। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप जो इमेज देख रहे हैं यह फ्लेयर सीक्वेंस की इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेंट्रिकल्स होते हैं और इन वेंट्रिकल्स में फ्लूइड होता है जो बिल्कुल डार्क कलर का दिखाई दे रहा है। और जो इसमें आउटर फेट होती है यह बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रही है। 5 नंबर सीक्वेंस है स्टिर मतलब शॉर्ट टर्म इन्वर्जन रिकवरी। इट इज यूज्ड टू नल द सिग्नल फ्रॉम फैट मतलब इस सीक्वेंस का यूज फैट के सिग्नल्स को कम करने या सप्रेस करने के लिए किया जाता है। द फैट सिग्नल इज जीरो मतलब इस सीक्वेंस में फैट सिग्नल जीरो होता है। इन दिस सीक्वेंस टी आई इज वेरी शॉर्ट मतलब इस सीक्वेंस में टी आई बहुत छोटा या शॉर्ट होता है। मतलब 180 डिग्री और 90 डिग्री आरएफ पल्स के बीच का जो टाइम होता है वह बहुत छोटा होता है। फैट हैज ए शॉर्ट टीआई 80 टू 150 एमएस मतलब इसमें फैट के लिए शॉर्ट टीआई होता है और यह 80 से 150 मिलीसेकंड होता है। दिस सीक्वेंस कैन बी यूज्ड विद T1 और T2 वेटेड इमेजेस मतलब इस सीक्वेंस का यूज T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेजेस के साथ किया जाता है। इन दिस सीक्वेंस फ्लूइड्स ब्राइट एंड वाइट मतलब इस सीक्वेंस में फ्लूइड्स ब्राइट या वाइट दिखते हैं। इन दिस सीक्वेंस फैट डार्क एंड ब्लैक और जो इस सीक्वेंस में फैट होती है वह हमें डार्क या ब्लैक कलर की दिखाई देती है। इन एमआरआई फैट हैज ए हाई सिग्नल ड्यू टू शॉर्ट रिलैक्सेशन टाइम्स मतलब एमआरआई के इस सीक्वेंस में शॉर्ट रिलैक्सेशन टाइम्स के कारण फैट का हाई सिग्नल होता है, इसलिए फैट हमें डार्क रंग की दिखाई देती है। फॉर स्टिर एन इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस विद ए शॉर्ट इन्वर्जन टाइम ऑफ 130 to 150 ms at 1.5 टेस्ला इज यूज्ड फॉर फैट सप्रेशंस। मतलब स्टिर सीक्वेंस में 1.5 टेस्ला पर 130 से 150 मिलीसेकेंड्स के शॉर्ट इन्वर्जन टाइम के साथ एक इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस का यूज फैट सप्रेशन के लिए किया जाता है। इन स्टिर सीक्वेंस एन इन्वर्जन रिकवरी पल्स इज यूज्ड टू नल द सिग्नल फ्रॉम फैट। मतलब स्टिर सीक्वेंस में फैट 180 डिग्री आरएफ पल्स के सिग्नल को नुल मतलब शून्य करने के लिए एक इन्वर्जन रिकवरी पल्स का यूज किया जाता है। मेनली यूज्ड इन बॉडी इमेजिंग, मतलब इस सीक्वेंस का यूज मेनली बॉडी इमेजिंग में किया जाता है, जैसे एंटीरियर नेक, ऑर्बिट्स एंड फेस इमेजिंग, मस्कुलो स्केलेटल इमेजिंग एंड एक्सट्रीमिटी इमेजिंग में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इस सीक्वेंस में फैट सप्रेस हो जाती है। तो आइए इस सीक्वेंस को भी अपन एक इमेज के हेल्प से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह सीक्वेंस स्टिर इमेज की है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह सर्वाइकल का स्टिर एमआरआई स्कैन है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह स्पाइनल कॉर्ड होती है और इसमें यहाँ पर आउटर साइड बहुत सारी फैट होती है जो हमें डार्क कलर की दिखाई देती है, क्योंकि फैट का सिग्नल इस सीक्वेंस में 0 होता है। और जो यहाँ पर सीएसएफ होता है मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, वह हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। 6 नंबर सीक्वेंस है DWI सीक्वेंस। इसका फुल फॉर्म डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग होता है। DWI is used to detect an actual stroke and other various pathology। मतलब DWI सीक्वेंस का यूज एक्चुअल स्ट्रोक और अन्य कोई वेरियस पैथोलॉजी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इट डिटेक्ट्स द रैंडम मूवमेंट्स ऑफ वाटर प्रोटॉन्स। मतलब यह सीक्वेंस वाटर प्रोटॉन्स में होने वाली रैंडम मूवमेंट्स को डिटेक्ट करता है। व्हेन वाटर मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड DWI गिव्स ए ब्राइट सिग्नल। मतलब जब बॉडी में प्रेजेंट वाटर का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित होता है तो DWI एक ब्राइट सिग्नल देता है। द DWI सीक्वेंस आर स्पिन इको सीक्वेंस विद 90 डिग्री एंड 180 डिग्री पल्सेज। मतलब DWI सीक्वेंस 90 डिग्री और 180 डिग्री पल्स के साथ स्पिन इको सीक्वेंस होते हैं। The diffusion gradients are turned on before and after the 180 degree pulse। मतलब इस सीक्वेंस के लिए 180 डिग्री पल्स से पहले और 180 डिग्री पल्स के बाद डिफ्यूजन ग्रेडियंट ऑन होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अपन ने पहले 90 डिग्री आरएफ पल्स दी, फिर 180 डिग्री आरएफ पल्स दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरएफ पल्स 180 डिग्री से पहले और बाद में डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स ऑन होते हैं। इन जनरल हाईली सेलुलर टिश्यू और दोज विथ सेलुलर स्वेलिंग एग्जिबिट्स लोअर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स। मतलब जनरली यह सीक्वेंस हाईली सेलुलर टिश्यू और सेलुलर स्वेलिंग वाले टिश्यू लो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट प्रदर्शित करते हैं। In DWI we generally use an isotropic map of different values and a corresponding ADC map। मतलब इस सीक्वेंस में हम जनरली डिफरेंट वैल्यूज़ के आइसोट्रॉपिक मैप और कॉरस्पॉन्डिंग ADC मैप का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, इस दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह DWI इमेजेस होती है। इस सेकंड वाले इमेज में आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट के ब्रेन में स्ट्रोक हो गया है। तो यह जो स्ट्रोक होता है यह हमें ब्राइट बिल्कुल चमकीला दिखाई देता है और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वह हमें ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।